हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने पूजने पति के साथ निकली हूँ रोड ट्रिप पे लद्दाख के लिए। अभी हम दिल्ली से निकले हैं, टाइम हो रहा है 3:15। अभी जस्ट हम निकले हैं, तो मैं आप इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमने कहाँ कहाँ स्टे किया, कैसे हम बाय रोड लद्दाख पहुँचे। अब हमें लुधियाना सिटी में, लुधियाना सिटी दिल्ली से 315 किलोमीटर दूर है। ये 5 घंटे का हमारा ड्राइव था। अभी हम टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। लुधियाना सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है मोंटी कार्लो ब्रांड के लिए, क्योंकि यहाँ का ही ब्रांड है मोंटी कार्लो, जो लुधियाना सिटी ने इंडिया को ही नहीं वर्ल्ड को भी दिया है। Day 1 हम एंड कर रहे हैं अमृतसर में। अमृतसर दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। ये जर्नी हमने कम्प्लीट करी है 8 घंटे में। कल हम अपना Day 2 स्टार्ट करेंगे अमृतसर से ही। आज है Day 2 हमारी रोड ट्रिप का, फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख। ये डे हमने स्टार्ट करा अमृतसर में गोल्डन टेंपल जाकर। वहाँ पर आपको गोल्डन टेंपल के अंदर व्लॉगिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर कोई व्लॉग नहीं ले पाए। उसके बाद हम गए अमृतसर में। अगर आप आए हो तो अमृतसरी कुलचे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं खाने, तो आप वहाँ पे कहीं पे भी जाके आसपास ठेले पे वहाँ हर एक जगह आपको अमृतसरी कुलचे मिल जाएंगे, जो कि बहुत एक आन बान शान है अमृतसर की। गाइज, ये है उधमपुर। गाइज, हमारा Day 2 खत्म होता है पत्नीटॉप पे, जो एक छोटा सा हिल स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये अमृतसर से 280 किलोमीटर दूर है, तो ये किलोमीटर्स हमने 8 आवर्स में कंप्लीट करे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है सेफ ड्राइव करना। यहाँ आपको पत्नीटॉप के पास इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल भी मिलेगा, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। कल हम अपना Day 3 यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ये है मॉर्निंग का रूम व्यू। हाय गाइस, आज Day 3 है। अभी हम पत्नीटॉप पर हैं। हम यहाँ से श्रीनगर जाएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप, तो आप कोशिश करना कि अमरनाथ यात्रा का भी एक बार इन्फॉर्मेशन ले लें, क्योंकि सुबह सुबह अमरनाथ यात्रा निकलती है, तो वो सारा जो ट्रैफिक होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा लेट निकलें अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी ट्रिप श्रीनगर के लिए यहाँ से। दोस्तों, ये है चेनाब रिवर, जो कि हिमाचल से निकलती है और इंडस में जाके मिलती है। ये एक इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ये बेनीहल है, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसका व्यू बहुत सुंदर है। गाइस, J&K इज वेरी अनसर्टेन। अभी हम 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, जाम है। हमें रीज़न नहीं पता कि हमें किस लिए रोका हुआ है। सुबह भी अमरनाथ यात्रा की वजह से हमें 3 घंटे डिले कराया गया हमारा टाइम। तो जब भी आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले। हाय गाइस, आज हमारा Day 3 ख़त्म होता है बनहल में। बनहल एक छोटा सा टाउन है, जो कि श्रीनगर के हाईवे पे आपको मिलेगा। दोपहर में लगभग 1 बजे के करीब हम पत्नीटॉप से निकले। हमने सोचा था कि आज हम श्रीनगर में जाके स्टे करेंगे, बट आज से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने जो भी ट्रैफिक था उसको बनहल टनल के पास रोक दिया। अब हम कल सुबह मॉर्निंग हम निकलेंगे और होपफुली हम कल कारगिल पहुँचेंगे। बनहल एक छोटा सा टाउन है। यहाँ पर आपको 2-3 गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे।
यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे हैं। हमारी जो ये ट्रिप है ये बिल्कुल भी प्लान नहीं है, हमने कोई प्लानिंग नहीं की हुई कि हमें कहाँ स्टे करना है, किस होटल में हमें स्टे करना है, किस रूट को हमें फॉलो करना है। बस ये है कि जो दिल्ली टू लद्दाख वाया श्रीनगर के रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे से लोकेशन हमें मिल रही है, हम वहाँ पर स्टे कर रहे हैं। हमारी कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं है किसी भी होटल में, कोई भी हमने प्री प्लानिंग नहीं की हुई इस ट्रिप के लिए। तो जो भी आगे जो भी खर्चे होंगे, जो भी होटल एक्सपेंसेस होंगे, जो भी हमारे फूड पे खर्चे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको जब हमारी ट्रिप ख़त्म हो जाएगा तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी कि कितने खर्चे कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों पे हुए। हाय गाइस, आज है डे 4। अभी हम बेन हिल टनल के पास ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी ट्रैफिक को दोबारा से रोका हुआ है, तो देखते हैं कितनी देर में हम को निकालते हैं इंडियन आर्मी वाले। आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है, बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी अब जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने के लिए मिलेगी। गाइस, NH-44 पे हर 10 मिनट में या 20 मिनट में आपको आर्मी का कॉन्वॉय मिलेगा, जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ेगा। कश्मीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोस्टपेड कनेक्शन। अगर आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है तो वो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आएंगे आपके कश्मीर में। पोस्टपेड कनेक्शन है तो आपके नेटवर्क आएंगे। आप मेरी वीडियो से भी देख सकते हो कि हर तरफ आपको इंडियन आर्मी के सोल्जर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस के सोल्जर्स खड़े मिलेंगे। ये कौन हुआ जाता हुआ, ये हमारे सोल्जर्स हमारे लिए खड़े हुए, इस देश की रक्षा करते हुए। ये दूसरा पहाड़, ये कुछ बेनिफिट्स हैं रोड ट्रिप के कि आप कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, अपनी बाइक खड़ी कर सकते हो और आराम से व्यू का मज़ा ले सकते हो। मेरे पीछे सिंध रिवर है जो कि इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, जम्मू एंड कश्मीर में से ये फ्लो करती है और ये ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ट्रैवल करने से आपको जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ के लोगों का पता चलता है, वहाँ के खाने का पता चलता है, वहाँ का सीनिक व्यू का पता चलता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो ट्रैवल मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में करना। कुछ पैसे सेव करो, 2 महीने 3 महीने काम करो, 1 महीने घूमो, फिर 3 4 महीने काम करो। हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों के बॉस वगैरह छुट्टी नहीं देते, पर ठीक है, 1 हफ्ते की छुट्टी 2 3 महीने में आप अपने लिए निकालो और ट्रैवल करो। ट्रैवल से ही पता चलेगा कि कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें इस इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये आज का हमारा टी पॉइंट होल्ट। अभी हम एक ढाबे पे रुके थे, हमने वहां से ये कावा लिया है। कावा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं व्यू के साथ साथ कावा को भी एंजॉय कर रही हूँ।
हाय फ्रेंड्स, आज डे 4 हमारा खत्म होता है सोनमर्ग में। सोनमर्ग कारगिल से 120 किलोमीटर पहले है। हमारा प्लान था कि आज हम कारगिल जाके स्टे करें, पर आर्मी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम नहीं जा पाए। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे कैंप्स हैं यहाँ पर, माउंटेन्स मेरे पीछे, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और मेरे पीछे है सिंध रिवर। बहुत अच्छा लग रहा है, एक नेचुरल व्यू पूरा आ रहा है। ऑफ बीट लोकेशंस पे हम गए हैं, ये एक एडवांटेज होता है। आप जब आप प्लानिंग नहीं करते किसी ट्रिप पे, कि आप कहीं पर भी स्टे करते हो, किसी भी लोकेशन पे आप जाते हो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमको लगा कि हाँ, हम यहाँ सोनमर्ग में आए। पीछे बिल्कुल सिंध नदी बह रही है, उसके बाद माउंटेन्स, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स आप देख रहे हो, छोटे छोटे कैंप्स यहाँ पे लगे हुए स्टे करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, आज डे 5 है हमारा। अभी हम सोनमर्ग में हैं, हम वाया कारगिल आज ले जाएंगे। आपको अगर ये लोकेशन पसंद आई हो तो ये श्रीनगर ले के हाईवे पे गगनगिरी एक जगह है, वहाँ पर आपको स्नोबर रिजॉर्ट के नाम से ये है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, रिवर है, माउंटेन्स हैं, कैंप्स हैं छोटे छोटे। श्रीनगर से ले हाईवे की मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने इतना डेवलपमेंट हमारे नेशन के लिए किया कि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में जा पाए, इंडिया के घूम पाए, डिफरेंट स्टेट्स देख पाए, इतना अच्छा व्यू हम लोग इंजॉय कर पाए। जिला पास है यहाँ पे, कैप्टन बाबा की आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। ये इनके लिए छोटा सा मेमोरियल बनाया हुआ है ले श्रीनगर के रास्ते में। ये हमारे चिप्स का पैकेट, जो बेचारा ट्रिप पे आके बाहर का खा के थोड़ा सा फैल गया है। गाइस, आज हमारी जर्नी का डे 5 है। हमने अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट करी थी, पंजाब के रास्ते जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर आकर अब हम आ चुके हैं लद्दाख में। ये लद्दाख का द्रास रीजन है, इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स, रिवर, रोड्स थोड़ी सी खराब है, पर ये सारा जो व्यू है ये सब कॉम्पनसेट कर देगा। जो भी आपने रोड्स, जिन रोड्स पे आपने ट्रेवल करा है, बहुत सुंदर व्यू है। कुछ ग्रीन होंगे, कुछ ऑलिव ग्रीन होंगे, कुछ बिल्कुल रफ होंगे, वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगी, कुछ बिल्कुल स्टीप होंगे, और कुछ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये माउंटेन्स भी हैं। मेरे राइट साइड डिफरेंट माउंटेन है, लेफ्ट साइड डिफरेंट माउंटेन्स हैं, और रिवर। कारगिल सेक्टर, और ये है हमारे इंडियन आर्मी के जवान। हमेशा इंडियन मूवीज में ही देखा था कारगिल सेक्टर, आज रियलिटी में देख रही हूँ। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारा तिरंगा, जो वेपन्स हमने कारगिल वॉर में यूज करे हैं वो सारे वेपन्स यहाँ पर हैं। हाउडजर है ये, पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर मेमोरियल है ये। श्रीनगर ले हाईवे 6 महीने तक बंद रहता है, नवंबर दिसंबर में जब स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है तो इस हाईवे को बंद कर दिया जाता है। ये फिर मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है। बहुत स्मूथ रोड है इस हाईवे की, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है, इतने सुंदर माउंटेन्स। आपको कोई ना कोई रिवर, या तो कोई सिंध रिवर होगी, अभी द्रास रिवर है, कोई ना कोई रिवर ऐसी होगी जो आपके साइड पे चल रही होगी, लेफ्ट या राइट पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा व्यू आप इंजॉय करते हुए जाओगे अपने ट्रिप का। गाइस,
गाइज ये है ब्यूटीफुल कारगिल टाउन जो कि सुरू रिवर के बैंक पे बना हुआ है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख। ये मुल्बिक टाउन है, कारगिल के बाद आपको एक छोटा सा टाउन पड़ेगा ये रास्ते में। फोटो क्लिक कराएं। बाय। ये है लद्दाख, लैंड ऑफ हाई पासेस। वेजिटेशन कहीं बिल्कुल जीरो है, कहीं वेजिटेशन बिल्कुल ठीक है, पर व्यू आपको ऑल ओवर हाईवे बहुत सुंदर मिलेगा। गाइस यहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल जीरो है, ये बाइकर्स। सोनमर्ग से लेह का हाईवे बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वैली, रिवर साइड, सारी चीजें बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं सारी चीजें कैप्चर नहीं कर सकती इस वीडियो में, तो मैं बस आपको कुछ ही चीजें दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैली, ये पूरा हाईवे आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा अपनी ब्यूटी दिखाने में। अभी टाइम 7:30 हो रहे हैं शाम के, अभी भी बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी यहाँ पर अंधेरा नहीं होता। अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का, मेरी तरफ से ये मस्ट विजिट डेस्टिनेशन मैं बोलना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सीनिक व्यूज आपको मिलेंगे, हर एक चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे हिसाब से मस्ट विजिट हाईवे रहेगा और आपको लाइफ टाइम ये चीज़ याद रहेगी। ये इंडस रिवर है जो मानसरोवर से आ रही है, लद्दाख के रास्ते पाकिस्तान में ये जाती है, पाकिस्तान के नेशनल रिवर है, और बहुत सुंदर ये व्यू कंट्रीब्यूट कर रही है इस माउंटेन को, इस वैली को। गाइस नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ले। गाइज डे 5 हमारा ख़त्म होता है लद्दाख में, हम ले आ चुके हैं। सुबह हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी सोनमर्ग से, सोनमर्ग से हमने जोजिला पास कवर किया, फिर उसके बाद कारगिल हम गए। वाया कारगिल हम ले पहुंच चुके हैं, अप्रॉक्स 343 किलोमीटर्स हमने कवर करे 10 hours में, इसमें से 2-2.5 hours का हमारा हॉल्ट था, टी ब्रेक था, लंच ब्रेक था, उसके बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी और 10 hours में हम पहुँच चुके हैं ले, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। हम दिल्ली से निकले थे ले के लिए। गाइज कुछ मैं रोड ट्रिप टिप्स आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस भी व्हीकल में आप जा रहे हैं प्रॉपर उसकी प्रॉपर वो कंडीशन में हो। दूसरी चीज़, अगर आपको आपका टैंक हाफ हो जाता है तो कोशिश करें कि उसको रिफिल करा लें, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि आगे वाले पेट्रोल पंप में करा लेंगे, पर कुछ चीज़ों की वजह से वहाँ पर दिक्कतें हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपको पुलिस कहीं रोक रही है, कुछ आपको पूछ रही है, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि नहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं। पूरी ट्रिप पे हमें कहीं किसी ने नहीं रोका, बस चेकिंग होती है, वो चेकिंग मैंडेटरी है, वो करानी पड़ती है। कोई दिक्कत हमें नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। बहुत अच्छी ये ट्रिप रही, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत सुंदर व्यूज़ जो इस ट्रिप पे हमने देखे वो मुझे नहीं लगता कि किसी और ट्रिप पे होंगे। मैं आप सब लोग से बोलूँगी, अगर आप कभी भी सोच रहे हो तो आप वाया श्रीनगर लद्दाख आने का सोचें, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पहले ही एक्मेटाइज हो जाएगी।
बहुत अच्छा लगेगा आपको ये जर्नी, ये ट्रिप करके। हाय एवरीवन, आज डे सिक्स है हमारे ट्रिप का। आज हम साइट सीन के लिए निकले हैं ले सिटी में। कल हम शाम को पहुंच चुके थे ले। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ले सिटी है। इस सेकंड बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का आफ्टर कच्छ, और बहुत सुंदर माउंटेन रेंजेस इसको कवर कर रहे हैं। गाइज, ये है सांची स्तूपा, जो 1991 में कुछ मॉन्क्स ने बनवाया था। सुबह 5 बजे ये ओपन होता है और शाम को 9 बजे क्लोज़ होता है। इसके आसपास आपको बहुत सारी रहने के लिए होटल्स, प्रॉपर्टी बहुत सारी मिलेंगी। ये है माउंटेन रेंजेस। मेन मार्केट ऑफ ले लद्दाख। गाइज, ले लद्दाख के लोग बहुत पोलाइट हैं, वो अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ कोई लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं मिलेगा। गाइज, मेरे साथ है श्रिंग ताशी, जो कि लद्दाख पुलिस के एक जवान हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि जैसे लोग यहाँ पर आते हैं तो वो कितना सेफली फील करते हैं। हेलो अंकल। हेलो। तो अंकल, कैसे लोग कितना सेफली फील करते हैं यहाँ पर आकर? यहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट आता है, जो ये फ्रांस का आता है, कोई भी आता है, यहाँ हर चीज़ का सुविधा मिलता है। अब लोगों भी इनके साथ गाड़ी शड़ी किसी जगह पर जाना हो तो इंदत भरपूर इंदत करता है। थैंक यू सो मच अंकल, आप मेरे चैनल पे आए। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर जी। दिस इज़ ब्यूटीफुल इवनिंग व्यू ऑफ ले लद्दाख। गाइज, ये हैं लद्दाख की ब्यूटीफुल स्ट्रीट वेंडर्स, जो अपनी इवनिंग टी इंजॉय कर रही हैं। इतनी सफाई ये लोग रखते हैं, जो गंदगी है वो हम जैसे टूरिस्ट ही फैलाते हैं। इतना क्लीन ये स्ट्रीट है, तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट। ये है पुरानी तिब्बतन मार्केट, जो कि रोड साइड है। ये फूड मार्केट है, जो तिब्बतन मार्केट के जस्ट ऑपोजिट है। ये है ले का क्यूट कैफ़े, और ये यहाँ की लोकल डिश स्क्यू विद बनाना शेक। आज हमारा डे सिक्स ख़त्म हुआ, और ब्यूटीफुल ले सिटी को देखने का सपना भी पूरा हो गया है। कल सुबह हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। हाय गाइस, आज है डे 7। अभी हम ले से निकल रहे हैं, देखते हैं डे कहाँ एंड करेंगे हम। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो, संभाला रिजॉर्ट करके नाम है, तो आप देख सकते हैं। बाय बाय ले सिटी, इतनी अच्छी मेमोरीज के लिए और इतने सुंदर व्यू के लिए। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम मिलें जल्दी। ये है ले मनाली हाईवे, और ये साइड में जो रिवर है, ये है इंडस रिवर। इतना स्मूथ हाईवे है ये पर्पल माउंटेन्स, रिवर और ये रोड, ये डेडली कॉम्बिनेशन आपको किसी हाईवे पे नहीं मिलेगा, ले मनाली हाईवे पर मिलेगा। ये है ले मनाली हाईवे का पहला विलेज, मीरू विलेज। अभी हमें लातो गांव में, ये एक छोटा सा ले मनाली हाईवे पर गांव है, यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। आइस जो ले मनाली हाईवे पे आपको देखने को मिलेगी। गाइस, ये है टंगलाला पास, जो ले मनाली हाईवे पे पड़ेगा। इसकी हाइट है 17,582 फीट। गाइस, ये है टंगलाला पास से व्यू, और ऐसे ही क्लाउड्स हम बचपन में अपनी पेंटिंग में बनाया करते थे, ऐसे ही माउंटेन्स हुआ करते थे। गाइस, ये कुछ साइकिलिस्ट हैं, जो बाई साइकिल आए हुए हैं। गाइज, ये जा रहा है आर्मी का कॉन्वॉय।
इससे सुंदर व्यू मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा है, कभी भी नहीं। इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ, पर जो रियलिटी है वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा ये व्यू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थैंक यू सो मच इतनी सुंदर रोड्स बनाने के लिए, हम इतना स्मूथली ड्राइव कर सकें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थैंक यू। ये है लेह लद्दाख, लैंड ऑफ हाई पासेस। गाइस ये है इंडियन आर्मी बेस पांग, लेह मनाली हाईवे। गाइज अभी हम पांग के पास रुके हुए हैं, माउंटेन्स है मेरे पीछे, छोटी सी रिवर जा रही है। पांग से आगे रोड्स कुछ ख़राब हैं, तो सेफली ड्राइव करें और व्यू का मज़ा लेते रहें। गाइज ये है लाचुंगला पास, जो लेह मनाली हाईवे पे आपको पड़ेगा। इसकी हाइट है 16,616 feet अबव सी लेवल। गाइज ये है लाचुंगला पास से व्यू। गाइज मनाली ले हाईवे पे आपको ये छोटे छोटे फूड पॉइंट्स मिलेंगे, जहाँ पे आप अपना हॉल्ट ले सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। गाइज ये हैं वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड, जहाँ पे आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, बहुत नैरो रोड्स हैं ये और बहुत हैवी व्हीकल्स इन पे आते हैं, स्टीप टर्न्स हैं बहुत, ब्लाइंड कर्व्स भी हैं, तो स्टे सेफ ऑन दिस हाईवे। गाइज ये है गाटा लूप्स, हिमांक रीजन लद्दाख। गाइज हम आ चुके हैं सरचू में, सुबह 8 बजे हमने ले से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, 2:30 बजे हम सरचू पहुँचे हैं। 225 किलोमीटर्स की जर्नी हमने 6.5 hours में कंप्लीट करी है, बीच में 1 घंटे का हमने हॉल्ट भी लिया था। पांग के बाद से जो रोड्स हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो केयरफुली ड्राइव करना इज वेरी मस्ट। अभी हम सरचू में हैं, सरचू में आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। बेसिक फूड यहाँ पे आपको दाल चावल वगैरह मिल जाएगा। ये सेंटर पॉइंट है लेह और मनाली का, तो अगर आपको रुकना है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं मनाली से, तो आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। सरचू के बाद हिमाचल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको रोड थोड़ी सी ख़राब मिलेंगी, तो आप सेफली ड्राइव करें। ये है हिमाचल के माउंटेन्स, ब्यूटीफुल रोड। गाइज ये है सरचू इन हिमाचल, कैंप्स, माउंटेन्स। Beautiful Himachal. Guys, ये है सूरजताल NH3 पे। ये है हमारी स्वीट सी क्रेटा, जिसने हमारे इस ट्रिप पे बहुत साथ दिया है। अगर आप किसी भी व्हीकल से आ रहे हैं तो प्रॉपर कंडीशन में वो चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो बाइक है, स्कूटी है, साइकिल है या फिर कार है। गाइज कुछ ख़राब स्ट्रेच के बाद अब अच्छी रोड्स आ गई हैं। गाइज ये है जिस्पा वैली, ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, रिवर है। लेह से मनाली के रास्ते में ये पड़ेगा, आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, छोटे छोटे कैंप्स हैं यहाँ पर। ये केलोंग है जो ले मनाली के रास्ते में पड़ेगा। सुबह यहाँ से ले के लिए बस चलती है, जो शाम को ले सिटी पहुँचा देती है। गाइस ये है अटल टनल, जो ले मनाली हाईवे पे पड़ती है। अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इसने कुछ ही किलोमीटर्स में कवर किया है।
गाइज ये है मनाली, हम एंटर हो चुके हैं मनाली सिटी में। गाइज डे 7 हमारा ख़त्म होता है मनाली में। सुबह 8 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी लेह से, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके, फिर सरचू रुके, जिस्पा रुके, केलोंग रुके, अब हम आ गए मनाली में। 450 किलोमीटर्स की ये जर्नी हमने कवर करी है 13.5 आवर्स में, जिसमें 2-2.5 आवर्स का हमारा हॉल्ट था। कल हम डे 8 स्टार्ट करेंगे और होपफुली कल हम दिल्ली जाएं। हाय गाइस, आज है डे 8 और ये है मनाली सिटी का व्यू हमारे होटल ग्रेजलिंग इन से। ये है मनाली सिटी और जो रिवर इसके पास से फ्लो होती है वो है ब्यास रिवर, जो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। गाइज अभी हम मनाली में हैं, मनाली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। जितना हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए थोड़ा कम प्लास्टिक यूज़ करने की। हम ये जब भी ट्रैवल करते हैं ज़्यादा हम चीज़ें इधर उधर ना फेंके, प्लास्टिक का जो भी चीज़ें होती हैं वो हम इधर उधर ना फेंके, हाईवे पर ना फेंके, डस्टबिन यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रोड ट्रिप पर। हाय गाइस, आज डे 8 है हमारी ट्रिप का और आज हमारी ये जो दिल्ली से लद्दाख की रोड ट्रिप थी ये एंड होती है। आज मैं आपको अपने एक्सपेंसेस बताऊंगी जो हमने फूड पे, स्टे पे और पेट्रोल पे खर्च करा। हमारा फूड पे खर्चा हुआ है टोटल 16 अप्रॉक्स, तो पर डे का 2000 कोई बेकार नहीं है, आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं खाने पे जैसा आपको खर्च करना है। हमने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील्स हमने लिए थे, उसके साथ हमने चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें हमने अपनी इस ट्रिप पे इंजॉय करी हैं। पेट्रोल हमारा टोटल लगा है 21,000 रुपीज़ का, टोल भी हमारा 3,500 का लगा था, वो मैंने फोन में ही इंक्लूड कर दिया है। पेट्रोल 21,000 का हमारा लगा है। हमारी हम क्रेटा गाड़ी से गए थे जो कि एवरेज देती है 12-13 का, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जैसा आपको गाड़ी आपको ठीक लगे आप वो लेके जा सकते हैं ट्रिप पे। तीसरी चीज़ हमारा स्टे में लगा है 30,000 रुपीज़ का खर्चा। 30,000 आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि कहाँ कैसे रहना है, कहाँ लोकेशंस आपको अच्छी मिलेंगी। 2,000 तक का भी स्टे आपको मिल सकता है, कुछ कुछ रूम्स में हमने 2,000 रुपीज़ पे करे, कुछ में हमने 7,000 रुपीज़ पे करे, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे, कैसा जैसे आप लोकेशन चाहते हैं, स्टे चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपनी मैं गाड़ी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इसने कहीं भी कोई दिक्कत नहीं करी। हाँ रोड्स ठीक थी, बहुत अच्छी थी, कुछ जगह उतनी भी अच्छी नहीं थी, फिर भी हम अपनी क्रेटा से गए, क्रेटा ने कोई दिक्कत नहीं करी। अब हम जाकर सर्विस कराएंगे इसकी, उसमें भी खैर कुछ रुपए लगेंगे, 10-15 हज़ार रुपये, वो इस एक्सपेंसेस से अलग हैं। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि पूरी रोड ट्रिप पे इन्होंने ही ड्राइव करा है, मेरे को ड्राइविंग नहीं आती, मैंने ड्राइव नहीं करा। इस पूरी जो ट्रिप है इसकी प्लानिंग मेरे हस्बैंड की थी, सारी चीज़ें इन्होंने मैनेज करी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।